तो फेज वाइज तो तीन फेजेस में उसको किया जा सकता है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, यहाँ के संस्थाओं के साथ, पंडे पुजारियों के साथ, हमारे देवस्थानम बोर्ड के साथ, सभी के साथ चर्चा विमर्श करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हर एक चीज़ की मान्यता है, हर किसी का हक हकूक तय है, हर किसी व्यक्ति का यहाँ पर एक किस तरह के उनके दायित्व है, किस तरह की उनकी यहाँ पर परिसंपत्तियाँ है वो निर्धारित है, तो इसके आधार पर वो डिपेंड करेगा। लेकिन आज की दिन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किस तरीके से यहाँ का मंदिर का जो एक्सेस है वो सबसे आसान तरीके से किस तरीके से हो सकता है वो देखना ज़रूरी है। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस प्रकार से हमें एक संकल्पना दे रखी हुई है कि ये किस प्रकार से एक सुरक्षित, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए आर्थिकी पैदा करने वाला और आपकी परिस्थिति की यह दृष्टि से एक सुरक्षित जगह बन सकती है, उसको देखते हुए यह पूरा मास्टर प्लान का एक्सरसाइज किया जा रहा है। हो सकता है कि उसमें कुछ समय लगे, कुछ जो है जल्दी हो जाए, तो इस स्टेज में वो बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज की डेट में यहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं है जिनसे ये बात हो सके। जब जब उस प्रकार के कार्य लिए जाएंगे तब स्थानीय प्रशासन उसके संदर्भ में बात करता रहेगा। सर एक आखिरी